हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज टाइम अभी टाइम हो रहा है और 5:30 बजे का, और आप देख सकते हो ये। हाय गाइस, ये देख सकते हो आप, अभी सुबह सुबह का टाइम है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे। और इतनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है अभी, और बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है चारों तरफ। आप देख सकते हो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे भी। और यहाँ पे क्या है, थोड़ी थोड़ी राजस्थान में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बट यहाँ पे थोड़ा कम सर्दी पड़ती है। और आज मैं करने वाली हूँ अपने मंदिर की सफ़ाई, क्योंकि मैं हर 10-15 दिन में उसकी सफ़ाई कर देती हूँ, टाइम मिल जाता है जिस दिन मुझे। और यहाँ पे लूँगी मैं 1 गिलास गर्म पानी, तो गर्म पानी कर लेते हैं, फिर उसके बाद करती हूँ मंदिर की सफ़ाई वगैरह। घर का काम करना वगैरह सब कुछ मेरा हो चुका है, तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी मंदिर की सफ़ाई, तो करते हैं चलो। तो यहाँ कर दिया है मैंने मंदिर की सफाई करना स्टार्ट। इसको सफाई करके अच्छे से मैं एडजस्ट करके फिर यहीं पे जमाना है मुझे, तो वापस जमा दूँगी मैं यहीं पे। और जमाने के बाद इस और भी सारे बहुत सारे काम हैं, तो सारे काम फ्री करके फिर मिलती हूँ आपसे। और मंदिर वगैरह साफ हर 10-15 दिन में कर देना चाहिए अगर टाइम मिल जाता है तो। थोड़ा क्या उससे अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं तो उसकी थोड़ी सी ब्लैक सी वो जम जाती है सब जगह, तो उसको थोड़ा आप 10-15 दिन में अच्छे से तरीके से साफ करके कर देना चाहिए, तो उससे क्या थोड़ा मंदिर भी साफ़ रहता है और ऊपर यहाँ रूम में भी अंदर ब्लैक नहीं जलता है और जाले वगैरह नहीं पड़ते हैं उससे। तो इसलिए आपको हर 10-15 दिन में साफ़ कर देना चाहिए मंदिर वगैरह। कहाँ जा रहे हो आप? क्या लेके आओगे मार्केट से आप? गोभी, सब्जी, अच्छा, कॉलीफ्लावर, और भिंडी, ओके, ओके। ये किसकी बाइक है? तो क्यों बोल रहे हो कि दीदी की बाइक है? बाय नन्नू, क्या कर रहे हो? नन्ने क्या कर रहे हो? नन्ने क्या कर रहे हो? अच्छा जी, क्या कर रहा है नन्ने? ए नन्नू, हाँ ओके नन्नू, क्या कर रहा है वो? बोलना अदिति, और ये किसका फोटो है? अब तो ये मेरा फोटो है, मेरे एक फ्रेंड थी, मैं एक स्कूल में बैठी हूँ तो उसमें डांस कर रही थी मैं। अच्छा, और ये सिर्फ पिकॉक लगा रखी मेरी मम्मी ने। ओके, मार्केट सजी ने ना सब कुछ, यस, बेबी जैसन लेने जा रहे हैं। अभी हमारी मम्मी की बेटी हुई है, तो गाड़ी चला के दिखाओ। हाँ, मुझे सही करवाना पड़ेगा, अभी खराब है थोड़ी सी। और यहाँ अदिति और नन्नू दोनों खेल रही है अपनी गाड़ी से, बाइक से। छुट्टी के दिन में ये लोग क्या करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं दोनों, तो मुझे इतना ज़्यादा काम करने नहीं देते, तो इसलिए ज़्यादा सूट नहीं कर पाई आज मैं। आज संडे था, कल मंडे स्कूल जाएगी, तो आज लास्ट हॉलीडे इसका, फिर कल से इसको मंडे से फिर से स्कूल जाना है। देख सकते हो किस तरीके से मस्ती कर रही है, और बात कर रही है मेरे से कुछ ऐसे ही वेदर के बारे में, बोल रही है मम्मा कितना अच्छा वेदर हो रहा है, क्लाउडी बिल्कुल बरसात जैसा मौसम हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, थोड़ी सर्दी वगैरह हल्की सी सुबह सुबह पड़ती है, तो इसलिए ज़्यादा सर्दी दिन में नहीं लगती है, सुबह ज़्यादा लगती है। ये देख सकते हो नन्नू और अदिति दोनों अब उसकी बाइक पर बैठ के घूम रहे हैं, और अदिति बोल रही है कि कितने अच्छे क्लाउड हो रहे हैं मम्मी, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है बिल्कुल। तो इधर की साइड भी थोड़ा बर्ड्स वगैरह उड़ रहे देख सकते हो आप, बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से बर्ड्स वगैरह की आवाज़ वगैरह सुनाई देती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर थोड़ा ध्यान लगा के सुनोगे आप लोग। और देख सकते हो किस तरीके से मस्ती कर रही,
चल पार पार करेंगे हाँ नहीं छुट्टी के दिन ये करते हैं मुझे टॉर्चर पूरी तरीके से दोनों तीनों छुट्टी के दिन मुझे जो ये लोग बोलते हैं वो करना पड़ता है क्योंकि सारे दिन कभी ये खेलो कभी वो खेलो। अदिति की डिमांड होती है बहुत ज़्यादा कि मम्मा मुझे ये खेलना है मम्मा मुझे छत पे खेलना है। फिर इधर नन्नू को संभालना पड़ता है फिर उसके पापा तो तीनों को बहुत झेलना बड़ा मुश्किल है। तो ये बहुत टॉर्चर करते हैं मुझे कि तीनों छुट्टी के दिन हॉलीडे जिस दिन होता है उस दिन ये खेलना है वो खेलना है। और ये देख सकते हो आप किस तरीके का वेदर हो रहा है सूर्य भगवान जी ढलने के लिए जा रहे हैं तो कितना अच्छे लग रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 5 बजे का तो मैं कर रही हूँ प्रेस यहाँ पे तो ये अदिति के स्कूल की ड्रेस है तो प्रेस कर देती हूँ। कल मंडे है तो मंडे को मैं प्रेस नहीं कर पाऊंगी तो इसलिए प्रेस करके रख देती हूँ।